The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation App and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. जैसा कि हम सभी को मालूम है, मार्च में हिमाचल PSC होने वाली है, तो उसकी तैयारी के क्रम में हमने सभी पेपर हल कराए हैं हिमाचल PSC के 2019 का, 15 का, 14 का, 12 का. आज हम एक पुराना पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 2009 का है. पेपर है हिमाचल PSC 2009 HPPSC 2009. आइए स्टार्ट करते हैं. इस पेपर में 80 क्वेश्चन जो है वो आयुर्वेदा के हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के पूछे गए हैं. जीके के पहले हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू में हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. हिमाचल का जीके पूछा जाता है इसमें. पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ठीक है, थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना. ये गणेश शॉर्ट फॉर्म लिखा है गणेश वासुदेव का, जीवी, है ना. तो पहले का आंसर है पी. दूसरे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो बर्मा जो है उसका नाम बदल के क्या हो गया, म्यांमार. तीसरा है, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था. चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक यानी मनी बिल होने का प्रमाण पत्र जारी करता है? तो धन विधेयक जो जारी होने का प्रमाण पत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, स्पीकर. पांचवें क्वेश्चन में आते हैं, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये पूरे यूरोप में यूरो चलती है ना, पाउंड जो है ब्रिटिश में चलती है, डॉलर अमेरिका में है. फिर आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, बिल्कुल सही है. लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, चुनाव मंडल द्वारा. चुनाव मंडल जो है निर्वाचन अधिनियम है उसके द्वारा चुना जाता है और उसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य एवं सभी विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं. निर्वाचन अधिनियम है एक 1952, उसके द्वारा चुना जाता है. के अनुसार जो है निर्वाचित होते हैं और निर्वाचन जो होता है उसमें कौन भाग लेता है, सारे MP भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और सारे विधायक भाग लेते हैं जो हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं उनके विधायक भाग, विधायक यानी MLA भाग लेते हैं. नेक्स्ट में आते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था बताई गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74A, है ना. सातवें का आंसर बी है. स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? तो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में और पहले आम चुनाव जो हुए थे वो हुए थे 1952 में. नौवें क्वेश्चन में आते हैं, यह किसने कहा था कि यदि चोर हमारे घर में घुस आए हों और हमारे पास इतनी अधिक शक्ति नहीं है कि हम उनको बाहर निकाल सकें तो हमें निसंकोच होकर उन्हें बंद करके आग लगा देना चाहिए? इतना ज्वलनशील वायुयान जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था. दसवें क्वेश्चन में जाते हैं, जर्मनी की चांसलर कौन है, है ना. तो सही आंसर है एंगेला मार्केल. दसवें का आंसर है सी. ग्यारहवें क्वेश्चन में जाते हैं, लारजी विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो लारजी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा की गई है. बारहवें क्वेश्चन में आते हैं, वर्ष 1984 में जैतून विकास परियोजना जिसका मुख्यालय बजौरा जिला कुल्लू में था किस देश की सहायता से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है इटली की सहायता से शुरू की गई थी.
ऐसे पेपर आपको अगर चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आरविदा पीजी प्रिपरेशन ऐप। 13वें क्वेश्चन में जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चाय की कौन सी किस्म नहीं उगाई जाती? मल्हार, बहार, बागेश्वरी, ये सभी उगाई जाती है, मृदुला नहीं उगाई जाती। तो 13वें का आंसर सी है। बिनवा विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो 2009 के समय लगभग 6 थी, इसका आंसर ए है। 15वें क्वेश्चन में आते हैं, 1954 में कौन सा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला बना था? तो पांचवा जिला बना था बिलासपुर। बिलासपुर एक ऐसी सिटी है जो छत्तीसगढ़ में भी आती है, सेम नाम मतलब दूसरा नाम से एक और शहर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है। जिला हमीरपुर का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? वो है बी 1118 वर्ग किलोमीटर। 17वें क्वेश्चन में आते हैं, कासापाट क्षेत्र किस जिले में? कासापाट क्षेत्र जो है वो शिमला में। शिमला को अंग्रेजों ने गर्मियों की राजधानी किस वर्ष में बनाया था? ये क्वेश्चन कैंसल हो जाएगा क्योंकि इसमें सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सही ऑप्शन था 1864, ये सही ऑप्शन है। चंबा जिले की भटियात बरीनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन में, सुनहानी किस राज्य की केंद्र स्थली रही है? इसका सही आंसर है बिलासपुर। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो कि हिमाचल के जीके और है ना भारत के जीके से संबंधित थे। अब आयुर्वेदा पोषण के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, चरक अनुसार गर्भ में प्राणानुबंध कौन सा भाव होता है? प्राणानुबंध जो है रसज भाव होता है। चार के अनुसार गर्भ में स्वर वर्ण बीज संबद्ध भाव कौन सा होता है? मातृज पितृज। ये स्वर वर्ण बीज संबद्ध सब होते हैं जब व्यक्ति आरोग्य होता है, आरोग्य जो है सात्वज भाव में आता है। तो ये आरोग्य की स्थिति है कि आपके स्वर वर्ण बीज सब अच्छे होंगे, सात्वज भाव में ये देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान निम्न में से किसे नहीं दिया है? तो अष्टांग हृदय जब हम पढ़ते हैं सूत्र स्थान में, तो सूत्र स्थान का पहला ही चैप्टर है, उसका श्लोक नंबर 3 है, उसमें ये बाकी नाम आ जाते हैं। सहसाक्ष आ जाता है जो कि इंद्र का है, अत्रिपुत्र आ जाता है, आत्रे का है, प्रजापति आता है, लेकिन भरद्वाज नहीं आता। भरद्वाज का उल्लेख चरक में आया है केवल। फिर आओ 24वें क्वेश्चन में, चरक अनुसार केवल हितहार का कारण होता है ना? तो इसका आंसर है हितहार का कारण होता है, उसका आंसर है पुरुष वृद्धि, है ना। चरक के 25वें चैप्टर में श्लोक है, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। श्लोक है, हिता आहारो उपयोग, हिता आरो आहारो उपयोग एक एव पुरुषो पुरुष वृद्धि करो भावित भावती। तो ये चरक का श्लोक है, चरक सूत्र अध्याय 25वें का 31वां सूत्र है, वहां आप देख सकते हो। इसका सही आंसर है पुरुष वृद्धि, हितहार का कारण पुरुष वृद्धि है। चरक अनुसार फलों में श्रेष्ठ क्या है? तो चरक ने फलों में श्रेष्ठ मृदुका को माना है, और चरक अनुसार कंदों में श्रेष्ठ है, कंदों में श्रेष्ठ चरक ने श्रृंगभेर यानी अदरक को माना है। ये दोनों ही चीज चरक सूत्र अध्याय जो 25 है उसका हितम वाला जो चैप्टर है 38 श्लोक में ये देखने को मिलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, पूर्ण करिए सर्वेषां रोगाणां निदाना कुपिता मला, है ना। कुपिता मला इस कंटिन्यूटी में है, और ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, निदान स्थान का अष्टांग हृदय निदान निदान का जो पहला ही अध्याय है उसी में ये सूत्र देखने में मिलता है 12वें नंबर में। 27 का आंसर बी है। आयु ह्रास का कारण क्या है? अनशन। अगर अनशन में बैठ जाओगे तो 10 से 12 दिन में आपकी मृत्यु हो जाती है, अपन जानते हैं। चरक ने इसको श्रेष्ठ भावों में बताया है,
चरक सूत्र अध्याय 25 का श्लोक नंबर है 40, श्रेष्ठ भावों में अनशन आयु हास्यकारणाम बताया गया है। फिर आते हैं टीनो स्पोरा कोर्डिफोलिया किसका वानस्पतिक नाम है, तो टीनो यानी छोटे, जिसके स्पोर छोटे होते हैं और जिसकी पत्तियां कोर्डी यानी हार्ट के शेप की होती है, वो अमृता यानी कि गुड़ची का पर्याय है। गुड़ची का लैटिन नेम है टीनो स्पोरिया कोर्डिफोलिया। फिर आप पूतना किसका पर्यायवाची शब्द है, तो हरितकी के भेद होते हैं सात, सात भेद होते हैं उसमें से एक होता है पूतना, है ना, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है हरित की। फिर आओ ताम्र रिपुच है ना का पर्याय है, ताम और रिपु से जो बनता है वो होता है कांसा, तो इसका आंसर जो है वो क्या है कांसा। सुश्रुत ने मधुमेह के रोगी को कितना शिलाजंतु लेने का विधान बताया, तो सुश्रुत ने मधुमेह के रोगी को एक तुला मात्रा में शिलाजंतु लेने के लिए बताया है जो कि होता है लगभग 100 पल के बराबर, तो ये मधुमेह की चिकित्सा में सुश्रुत ने बताया है। निम्न में से किस रोग में विटामिन के की न्यूनता हो जाती, तो अवरोध जन कामला यानी जिसको हम क्या बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ज्वाइंटिस उसमें हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव ज्वाइंटिस फिर आए क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नहीं है, नहीं है, विटामिन ए, विटामिन ए का डोज तो बीजल्स के साथ दिया जाता है, कुपोषण, कुपोषण बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम है, मिड डे मील नहीं है, है ना, मिड डे मील जो है वो स्कूल शिक्षा का है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री का है ना, शिक्षा विभाग का है, शिक्षा विभाग का है और है ना आंगनवाड़ियों में भी होता है। फिर आयुष 64 औषधि मुख्य रूप से किस रोग की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती है, आयुष 64 जो है वो मलेरिया की ड्रग है क्योंकि CCRS द्वारा डेवलप की गई है। फिर आते हैं संजीवनी वटिका रोग अधिकार है ना, संजीवनी वटिका में देते हैं एका अजीर्ण गुलमेशु, अजीर्ण में कोना कोमा गुल में जो है एक एक गोली देते हैं। द्वितीय विसूचिका, विसूचिका में दो गोली देते हैं। तृतीय सर्पदंश है, सर्पदंश में तीन 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 गोली दी जाती है। और सन्निपात ज्वर में ज्वर में चार चार गोली दी जाती है। यहां पर ये दोनों ही सही है, ज्वर और अजीर्ण, तो आंसर सी हो जाएगा ए और बी। अस्थि शून्यता किस धातु के क्षय का लक्षण है, तो अस्थि शून्यता जो है सुश्रुत के अनुसार मज्जा क्षय का लक्षण है। कुटकी का मुख्य काम क्या है, रेचन, संसोधन, पाचन, भेदन, तो कुटकी का पीको राजा कोरिया का मुख्य काम जो है वो भेदन है, शरीर में से वह बद्ध यानी कि बंधे हुए, अबद्ध यानी बिना बंधे हुए और पिंडित, तीन प्रकार के मल को बाहर निकालती है कुटकी, बद्ध अबद्ध और पिंडित मल को बाहर निकालती है। ऐसे तीन भेद से याद कर लेते हैं कि भेदन कर्म है किसका, कुटकी का। फिर आए 39 में, संख्या विकल्प प्रधान बल काल विशेषता किसके भेद है, तो ये संप्राप्ति के भेद है। सर्वकाल देयावस्ती कौन सी होती है, निरूह अनुवासन, अनुवासन प्रतिदिन देते हैं, या अपना वस्ती जो है वो सर्वकाल देया होती है, 40 का आंसर जो है सी है या अपना वस्ती। फिर आते हैं ज्वर में सड़ंग पानी का क्या काम रहता है, बमन शांति करता है, सन्निपाता शांति, ज्वर पिपासा शांति, तो सही आंसर है ज्वर पिपासा शांति। सेम क्वेश्चन CGPSC 2008 में भी
आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सीजीपी पीएससी करके हुई है, तो 2009 में का पेपर लगा रहे हैं हम। रक्त को चतुर दोष किसने माना है? तो सुश्रुत ने माना है व्रण के संदर्भ में, व्रण के संदर्भ में रक्त को भी दोष मानते हैं। फिर आओ, सुश्रुत ने उंगलियों को माना है यंत्र शस्त्र अनुशस्त्र उपकरण, सुश्रुत ने उंगलियों की जो है गणना अनुशस्त्र में की है। शस्त्र द्वारा रक्त मोक्षण की विधियां, शस्त्र द्वारा रक्त मोक्षण की विधियां दो होती हैं, प्रच्छान और शिराविधान। और आशस्त्र कृत होती है सरंग अलावा अलावु और जलों का। यह आंसर दो है। भीमसेन व्यापत और क्षय अवस्थाएं हैं, प्राकृतिक ओज की, ओज क्षय की, ओज वृद्धि की, विकृत ओज की। तो ये विकृत ओज की है, जिसको हिंदी में वहां संस्कृत में लिखा है व्यापन ओज, व्यापन यानी विकृत ओज। व्यापन ओज की तीन अवस्थाएं होती हैं, भीमसेन व्यापत और क्षय। कहाँ इसका वर्णन आता है? सुश्रुत सूत अध्याय 15। फिर आओ, बालक की क्षीरन्नाद अवस्था सुश्रुत के अनुसार मानी गई है। ये तो फंडे का क्वेश्चन है। क्षीरन्नाद में दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो क्षीर और एक अन्न, है ना, एक क्षीर दूसरा अन्न, 2 वर्ष तक के बालक के लिए होती है क्षीरन्नाद। आंसू घाती विष वाले सांप कौन से बताए सुश्रुत ने? तो जो सीगीता से घातक होते हैं वो दर्विकर होते हैं, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। गोदंती भस्म बनाने के लिए कौन से फूड का प्रयोग किया जाता है? तो गोदंती भस्म बनाने के लिए गज फूड का प्रयोग किया जाता है, रसामृत में कहा गया है, रसामृत का श्लोक है 5वें अध्याय का 5वां 6वां। फिर आते हैं आरोग्य बंधनी बट्टी किस रोग अधिकार की औषधि? तो आरोग्य बंधनी जो है वो पुष्ट में बताइए किसने, रस समोच्च है, रस सर्वतोभद्र रस किस रोगाधिकार की औषधि? तो ज्वर की औषधि। दर्द किस का पर्याय? दर्द हिंगुल का पर्याय है ना, हिंगुल के भेद होते हैं, उसमें एक दर्द हिंगुल भी होता है। अंकोल का वानस्पतिक नाम है, ये क्वेश्चन कैंसल होगा क्योंकि इसमें सही ऑप्शन नहीं दिए हैं, सही क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ऐसे अंकोल का होता है एलेंजियम साल्विफोलियम, है ना, क्या होता है अंकोल का लेटे नेम? एलेंजियम साल्विफोलियम, और कंकोल होता है, कंकोल, कंकोल का जरूर होता है पाइपर चेबुआ, पाइपर क्यू बेबा। यह आंसर ये रहेगा, पाइपर क्यू बेबा। ऐसा माना जाए कि अंकोल की जगह यहाँ पर कंकोल लिखा होना चाहिए, कंकोल का पूछ रहे हैं, है ना, तब जो है ये आंसर सही हो जाएगा। गर्भ में केश श्रमसु नख रोम किस भाव से उत्पन्न होते हैं? तो ये अस्थि के विकार हैं, अस्थि के उपधातु मल हैं, वृत्तज भाव से उत्पन्न होते हैं। स्वर्ण भस्म सेवन काल में अपथ्य, तो ये ही फल अपथ्य है, वो है बिल्व फल, है ना। तो 54 का आंसर जो है वो ए है। फिर आते 55 में संगो बिड़ मूत्र वात, बिड़ मूत्र बाल बात, ये सभी रुक जाते हैं जब अपान वायु का वेग रोका जाता है। यहाँ पर 55 का आंसर अपान वायु है। पिपली का विपाक होता है मधुर, है ना, चरक विमान अध्याय 1 में बताया गया है पिपली का विपाक क्या होता है, मधुर। जनकोधंस किन किन में दुष्टि कारक है? 4 होते हैं, है ना, वायु जल देश और काल, काल और होता है, 4 जनकोधंस के कारक होते हैं, जो आंसर ए है। कंपीलक का प्रयोग अंग है फल रस चूर्ण, है ना, यहाँ पर आंसर है फल
कंपीलक का प्रयोग आगे फलरज। विश्व लक्षणा गुणा तीन शब्दों में परिभाषा देने वाले हैं भदंत नागार्जुन, जिन्होंने लिखी है रस वैसे सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा शस्त्र क्रम नहीं है? चेदन, भेदन, पाठन, उपना। उपना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उपना जो है वो श्वेत का प्रकार है। पाठन शब्द जो है भेदन के लिए यूज होता है, और उपना श्वेत का प्रकार होता है, शस्त्र क्रम नहीं होता। 61 में आते हैं, अंजन नामिका की तुलना आधुनिक विज्ञान में किस रोग से की जाती है? तो अंजन नामिका की तुलना जो है स्टाई से की जाती है। 67 ने कंठ सालुक की चिकित्सा किस रोग के समान करने का निर्देश दिया? तो कंठ सालुक की चिकित्सा जो है वो टुंडी कीरी के समान बताई गई। 62 का आंसर ए है। सुश्रुत के अनुसार नेत्र में कितने मंडल होते हैं? है ना, सुश्रुत ने नेत्र में मंडल जो है पांच पांच मंडल होते हैं, और संधि और पटल छह होते हैं। पोत की किस स्थानगत रोग है? तो पोत की जो है वो वर्तगत नेत्र रोग है। रस तरंगिणी के अनुसार रस औषधि निर्माण के पश्चात कितना धन्वंतरी वाग वैद्य को देना चाहिए? तो रस औषधि का फॉर्मूला था, अपन ने याद किया था, रस एसटीडी। रस पहले भीड़ रहती थी कहाँ, एसटीडी की दुकान पे, आधा जो है चार्ज लगता था वहां पे। तो ये सिद्ध रस और है ना ये सब औषधियां, इनका भाग कितना दिया जाता है? आधा। फिर और रस तरंगणी के अनुसार पीतल में धातुओं का भाग होता है, पीतल यानी कि ब्रास। फॉर्मूला था डबल एस आता है, तो इसमें ताम्र दो भाग होता है कॉपर, और जिंक जो है वो एक भाग रहता है ना, कॉपर दो भाग और जिंक एक भाग। अतीन्द्रिय किसको कहा गया? तो अतीन्द्रिय की संज्ञा जो है चरक ने मन को दी है। इंद्रोपमणी अध्याय है, चरक सूत अध्याय आठ है, वहां पर मन को इंद्रो अतीन्द्रिय जो है कहा है। वैवाह काल में वेग अवरोध करने से प्रकृत वायु कौन सा यौनि व्यापार उत्पन्न करती है? तो इसका सही आंसर है शुष्क, है ना, शुष्क योनि व्यापत होता है। बंध्या योनि व्यापत का लक्षण है, बंध्या नष्ट आर्तव, है ना, आर्तव नष्ट रहता है बंध्या में। गर्वणी को किस आसन में अनुवासन और आस्थावर मस्ती दी जाती? तो गर्वणी को न्यूज अवस्था में दी जाती है ना, और वाम पास में पुरुष और महिला को दी जाती, लेकिन गर्वणी स्पेशल है, गर्वणी को न्यूज अवस्था में दी जाती। फिर आते हैं 71, आ रजस का योनि व्यापक में कौन सा प्रधान दोष होता है? तो आ रजस का योनि व्यापक पित्त दोष होता है। सूतिका को क्या मणि धारण करना चाहिए? तो त्रिवत की मणि धारण करने के लिए बोला है सिर पर। सेवेंटी थ्री है, संजीव सारदाम सतम मंत्र का उच्चारण शिशु के कान में करने को बोला, तो दक्षिण कान में उच्चारण करने के लिए बोलते हैं भागवत श्लोक है अष्टांग हृदय, उत्तर दंत का दूसरा और तीसरा श्लोक है। दक्षिण कान में मंत्र उपचार बताया है अष्टांग हृदय ने। शिशु के अक्षी निमीलन से कहां पीड़ा का ज्ञान होता है? शिशु जब अक्षी निलीमन करता है तो उसके सिर यानी मूर्धा में पीड़ा होती है। श्लोक है सुश्रुत संहिता का, सुश्रुत शारीर अध्याय 10 का श्लोक है 40वां। फिर आते हैं रक्त मोक्षण की हृदय ने अष्टांग हृदय काम में अधिकतम मात्रा कितनी मानी? तो रक्त मोक्षण की अधिकतम मात्रा होती है एक प्रस्थ। शल्य तंत्र में चिकित्सार्थ कहा गया है, तो शल्य तंत्र में चिकित्सार्थ है शिरावेद, है ना, शिरावेदन को आधी आधा चिकित्सा कहा गया है शल्य में। सुश्रुत के अनुसार आगंतुज व्रण के प्रकार होते हैं, आगंतुज व्रण यानी कि सद्दो व्रण। तो सुश्रुत ने सद्दो व्रण जो है वो छह प्रकार के माने हैं। चरक ने व्रण के उपक्रम बताए हैं, तो व्रण के उपक्रम चरक ने 36 बताए हैं, सुश्रुत में है 60। ठीक है, चरक में 36, सुश्रुत में 60।
किराए छत रहित अभी घातक सोत में किया जाना चाहिए, है ना, शीतल पर्दे का प्रयोग करना चाहिए। प्रथमे वैसी तो एव, है ना, स्टार्टिंग स्टेज में संधि जो वो होता है कांड भाग में होता है ना, फ्रैक्चर होता है, वो जल्दी जुड़ जाता है, मासात एक महीने में जुड़ जाता है। तो आंसर है इसका मासात। श्लोक जो कहाँ से पूछा गया है, सुश्रुत में भग्न चिकित्सा से, सुश्रुत में भग्न चिकित्सा चैप्टर है क्योंकि तो तीसरा अध्याय है चिकित्सा का, इसका 16वां श्लोक। समानो वायु अग्नि बल प्रदान, अग्नि को बल प्रदान करती है समान वायु, अग्नि के पास रहती है बल प्रदान करती है। केश लौंग नख श्रमसु द्विज प्रवतन, कौन गिराता है इनको? जब आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो आपके बाल गिरने लगते हैं, अस्थि क्षय का लक्षण है, क्योंकि ये कैल्शियम का सोर्स घटता है तब हमारे शरीर में ये घटना देखने को मिलती है। महासोतस कौन से सोतस का मूल है? तो प्राणवायु सोतस के मूल होते हैं हृदय और महासोतस। शिरस तालवेंद्रिय गतम सर्वेंद्रिय जो है, मन का स्थान सिर और तालवेंद्रिय के बीच में किसने बताया है? भेल नाम के आचार्य ने बताया है। इसका आंसर जो है क्या है? मन, है ना, भेल ने मन के स्थान में ये लाइन बताई। रंजिता तेजसा तो आपा शरीर तेन देही नाम, सूत्र किस से संदर्भ है, है ना, ये रक्त का श्लोक है जो कि सुश्रुत संहिता में बताया गया है। सुश्रुत सूत्र अध्याय 14 उसका श्लोक है 5, है ना, रस के रंजन होने से रक्त बनता है। फिर आओ वातज कुष्ठ में सर्वप्रथम करना चाहिए, वातज कुष्ठ में सबसे पहले घृतपान करना चाहिए। वाते उत्तरेषु कुष्ठेषु सर्पी पानम, है ना, भृंगण चिकित्सा किस में बताई गई? तो भृंगण चिकित्सा क्रस प्रमेय में बताई गई। चरक चिकित्सा में प्रमेय चिकित्सा चैप्टर पढ़ते हैं 6वां, तो उसका श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे तो वहां आएगा। क्रस प्रमेय में भृंगण का प्रयोग करना चाहिए। एलादि गुटिका का रोगाधिकार क्या है? छच्छीण में देते हैं एलादि गुटिका चरक के अनुसार। अष्टकटवर तेल का रोगाधिकार क्या है? तो वो है उरुस्तम, उरुस्तम में देते हैं। पित्तावृत वाद की चिकित्सा है, पित्तावृत वाद में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, व्यत्यास कर्म चिकित्सा की जाती है, उलट फेर करके चिकित्सा करते हैं। चरक चिकित्सा अध्याय 28 में श्लोक नंबर है 184, है ना, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम विष चिकित्सा, है ना, विष के उपक्रम जो है वो 24 है, चिकित्सा यानी उपक्रम कितने 24 है, उसमें पहला जो आता है वो आता है मंत्र, ठीक है। फिर आए रक्तज गुल्म की चिकित्सा है, रक्तज गुल्म में काल, है ना, गर्भ काल व्यतीत होने के बाद चिकित्सा करते हैं, गर्भ काल यानी कि 10 महीने जो है वो व्यतीत हो जाते हैं उसके बाद चिकित्सा की जाती है ना, होने के बाद करते हैं। दूसरा शस्त्रकम बताया गया है, शस्त्रकम में भेदन करते हैं, विरेचन है बिल्कुल, तो सभी चिकित्साएं की जाती है। उदर रोग में नारायण चूर्ण का अनुपान क्या है? तक्र, है ना, तक्र बताया गया है। कंस हरितकी का रोग अधिकार क्या है? तो कंस हरितकी सोत में देते हैं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये हिमाचल पीएससी में। कामला की चिकित्सा, कामला में मधु संशोधन करते हैं, तीक्ष्ण संशोधन करते हैं, पांडु में तीक्ष्ण करते हैं, कामला में मधु संशोधन करते हैं। सन्निपातज चरक में श्लोक नंबर देख सकते हैं आप, चरक चिकित्सा अध्याय 16 का श्लोक नंबर है 40। सन्निपातज अतिसार में प्रथम चिकित्सा किसकी की जाती है? तो यहाँ किस कोई आचार्य नहीं लिखा है तो अपन चरक को लेंगे क्योंकि चिकित्सा में चरक की चलती है। चरक ने कहा है वात, चरक में लिखा आता है वातस्य अनु जयेत पित्तम, यानी पहले वात की पित्त की चिकित्सा करना चाहिए। चरक चिकित्सा 19 अतिसार चिकित्सा अध्याय में श्लोक नंबर है 122। भारत के आसाग्नि दोष निवारण करने के लिए कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो गोक्षर का प्रयोग किया जाता है।
ताम्रपर्णी निर्माण में कौन से पत्ते का प्रयोग होता है? तो ताम्रपर्णी निर्माण में आर्क के पत्ते का यूज होता है। ये क्वेश्चन आगे चल के आरपीएससी में भी आया है 2011 में। निर्वक्त, जिसमें वक्त यानी है कुछ भी नहीं है, मुंह नहीं है, तो वो गोल मूसा होती है। 99 का आंसर है डी। क्षेत्रीकरण के लिए कौन सा बंध श्रेष्ठ होता है? तो क्षेत्रीकरण के लिए आरोट बंध श्रेष्ठ होता है। ये था हिमाचल बीएससी 2009 का पेपर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।